सर्दियां तो खूब इंजॉय हो रही होंगी, सर्दियों में हमारी स्किन के साथ साथ हमारी बॉडी भी बहुत ड्राई हो जाती है। तो आज की मैं छोटी सी वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ, मैं इसमें आपको बताऊंगी कि किस तरह आप बहुत कम टाइम में अपनी बॉडी को स्क्रबिंग भी अपनी बॉडी पर कर सकते हैं और अपनी बॉडी को मॉइस्चराइजर भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी टिप मैं आपको देती चलूँ, 15 दिन में एक दफ़ा यानी कि एक वीक में दो दफ़ा, ओ सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप्स हो कि सर्दियाँ खूब इंजॉय हो रही होंगी और आप सब खैरियत से ठीक ठाक और हैप्पी होंगे। नज़ला ज़ुकाम तो आजकल हर किसी को ही हो रहा है, सर्दियों ये तो सर्दियों में होता ही होता है। जैसे कि मुझे भी अब फ्लू हुआ है, मेरी भी आवाज़ काफ़ी चेंज सी है, भारी भारी सी आवाज़ हो जाती है हमारी। तो कह रहे थे अपनी वीडियो की तरफ, मैं बहुत छोटी सी वीडियो आज आपके लिए लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह हम अपनी फुल बॉडी को मॉइस्चराइजर रख सकते हैं। सर्दियों में हमारी स्किन और फुल बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो जिस तरह हम अपनी स्किन को, अपने हाथों पाओ को, अपने बालों को मॉइस्चराइजर फ्राम करते हैं, इसी तरह हमें अपनी बॉडी को भी मॉइस्चराइजर करना बहुत ही ज़रूरी है। सर्दियों में फुल बॉडी इतनी ड्राई हो जाती है कि हमें खारिश स्टार्ट हो जाती है। जब खारिश हम जहाँ भी कहीं करते हैं यूँ, तो लाइंस पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। वो खुश्की की लाइन होती है जो पड़ती हैं, वो इसलिए कि हम अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मॉइस्चराइजर फ्राम नहीं कर रहे होते। सो फाइनली यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि सर्दियों में अपने जो भी आप बॉडी वॉश यूज़ करते हैं उसमें कौन सी चीज़ें ऐड करके आप अपनी बॉडी को मॉइस्चराइजर भी फ्राहम कर सकते हैं और स्क्रबिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि सर्दियों में हमें ये होता है कि फटाफट वॉशरूम में जाओ और फटाफट बाहर निकल आए, इतना तांग छांग नहीं करते हम इस चीज़ की। गर्मियों में कहते हैं कि जी मज़े से अपनी बॉडी पर स्क्रबिंग भी करें, ये भी चीज़ अप्लाई कर लो, वो भी कर लो, तो क्यों ना वो सारी चीज़ें हम अपने बॉडी वॉश में ऐड करके एक ही स्टेप से हम अपने ऑल स्टेप्स को कम्प्लीट करें। तो देखते हैं वीडियो में, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम अपने बॉडी वॉश को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। यही वह बॉडी वॉश बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक कप शुगर लेनी है, चाहे वो मोटी है चाहे पतली है, जैसी भी घर में आपके पास अवेलेबल है। आपने 1 कप ऑफ शुगर लेकर उसको किसी भी एयर टाइट ग्लास कंटेनर में ऐड कर लेना है। यहाँ पर आप चीनी की क्वांटिटी देखें, इसी के हिसाब से हम अपना सेकंड इंग्रेडिएंट, अपना बॉडी वॉश इसमें ऐड करेंगे। मैंने एस्टी लिप्स का बॉडी वॉश लिया है, आपके पास जो इजीली अवेलेबल है या जो आपका फेवरेट है वो ले सकते हैं। अगर 1 कप शुगर है तो उसमें 1/2 कप के जितना बॉडी वॉश हम ऐड करेंगे, मीन के इसकी बॉडी वॉश की क्वांटिटी आपने शुगर की क्वांटिटी से कम रखनी है। अब यहाँ पर आप इन दोनों चीज़ों की क्वांटिटी चेक कर सकते हैं, आपने इनकी क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखना है। अगर शुगर की डबल है तो बॉडी वॉश की सिंगल होनी चाहिए। तीसरी चीज़, मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी ऐड करूँगी, ये आपकी बॉडी को वाइटनिंग इफेक्ट देगी, आपकी बॉडी के कलर के कम्प्लेक्शन को फेयर करेगी। अगर आपकी बॉडी पर कोई डार्क स्पॉट्स हैं या उसके निशान हैं तो उसको रिमूव करेगी, लाइटन अप करेगी। और चौथी चीज़ जो इसमें जाएगी, कोकोनट ऑयल के 4 टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी, ये आपकी बॉडी को मॉइस्चराइजर फ्राम करने के साथ साथ आपकी बॉडी पर ग्लोली इफेक्ट भी देगा। और पांचवी चीज़ जो इसमें जाएगी वो है 1 अदद लेमन लेकर इसका जो छिलका है, इसके छिलके को हम पील ऑफ करेंगे यानी कि क्रश करेंगे। हमने इसका लेमन जूस अंदर से ऐड नहीं करना, सिर्फ हमने इसके जो छिलका है उसको क्रश करके 1 टेबल स्पून अपने इस बॉडी वॉश में हम ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। यहाँ पर हमारा DIY बॉडी वॉश बनकर रेडी हो चुका है। इसमें जो शुगर ऐड की गई है ये आपकी बॉडी पर स्क्रबिंग के तौर पर वर्क करेगी। अगर आपको लगता है कि चीनी मेल्ट हो जाएगी इसमें ऐड करने के बाद, ऐसा नहीं होगा। मैंने ये 15 से 20 डेज़ का बनाया है, आप ये 1 मंथ का बनाकर इसको ईजीली अपने वॉशरूम में किसी भी ग्लास कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें जो शुगर ऐड की गई है वो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी, वो वैसे की वैसे ही रहेगी। थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म कंसिस्टेंसी में ये बॉडी वॉश रेडी होगा। इसकी स्मेल इतनी मज़े की थी, आप इसको बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन से ही आपको इसके इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन से ही आपको खुद फील होगा कि आपकी बॉडी कितनी सॉफ्ट, नरम, मुलायम और मॉइस्चराइजर और ग्लो करने लग गई है। इसको यूज़ करने का मेथड ये है कि जब भी आपने बाथ शावर लेना है, गीली बॉडी के ऊपर आपने थोड़ा सा DIY बॉडी वॉश लेकर अपनी फुल बॉडी पर आपने इसकी स्क्रबिंग करनी है। जस्ट 2 से 3 मिनट ही आपने इसको रब करना है, उसके बाद वॉश कर लेना है। अब यहाँ पर मैं दूसरी टिप आपको देती चलूँ, 15 दिन में एक दफ़ा या फिर 1 मंथ में 2 दफ़ा, 2 से 3 दफ़ा 1 मंथ में अपनी फुल बॉडी पर कोकोनट ऑयल का मसाज ज़रूर किया करें। थोड़ा सा कोकोनट ऑयल कटोरी में या बोल में डालकर उसको माइक्रो में कुछ सेकंड के लिए गर्म करें, उसके बाद
अपनी नेक से लेकर अपने पाँव तक, मीन के यहाँ से लेकर अपने फेस को छोड़कर नेक से लेकर पाँव तक अपनी फुल बॉडी पर आप उसका तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ही मसाज करें। उसके बाद आप 15 मिनट के बाद ये बॉडी वॉश से आपको से पानी से नहाएं और देखिए आप अपनी बॉडी को कितना रिलैक्स फील करेंगे और कितनी ग्लो आपकी बॉडी पर आ जाएगी और कभी भी आपकी स्किन सर्दियों में आपकी बॉडी ड्राई नहीं होगी। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो के बिना किसी तांग झांग के हम किस तरह अपनी बॉडी को एक ही स्टेप्स में मॉइस्चराइजर भी कर सकते हैं और व्हाइटनिंग इफेक्ट भी अपनी बॉडी पर दे सकते हैं। होप सो कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक।